सफ़ा नंबर 53, सबक 9, नीम का पेड़। तुमने नीम का दरख्त देखा होगा, इसका असली नाम नीम है। नीम का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। लोग नीम के साए में बैठते हैं, बच्चे इसके साए में खेलते हैं और जानवर इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए लोग संदूक में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं। नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता, इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती और ये अनाज के जखीरे की भी हिफाजत करती हैं। सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो इनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खारिश दूर हो जाती है। नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं, इसके फल को निपोली या निमकोली कहते हैं। इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तेमाल और नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं। नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज है, ये मिसवाक का काम करती है। ये कड़वी तो जरूर है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। सफा नंबर 54, एक लफ्ज और मानी। जखीरा, ढेर, खारिश, खुजली, महफूज, सही सलामत, वो जिसे कोई खतरा ना हो। दो, सोचिए, बताइए और लिखिए। अलिफ, नीम का असली नाम क्या है? बे, नीम की पत्तियां किस काम आती हैं? जीम, नीम के फल से क्या क्या बनाया जाता है? दाल, नीम की टहनी किस काम आती है? तीन, खाली जगहों को सही लफ्जों से भरिए। है, के, नहीं, में, की, हैं, से, इन, को। गर्म कपड़ों, खाली जगह, हिफाजत के लिए लोग संदूक में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं। नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा, खाली जगह, लगता। इन पत्तियों से किताबों, खाली जगह, दीमक नहीं लगती और ये अनाज, खाली जगह, जखीरे की भी हिफाजत करती, खाली जगह। सूखी पत्तियों, खाली जगह, अगर जलाया जाए तो, खाली जगह, के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने, खाली जगह, खारिश दूर हो जाती, खाली जगह। चार, बताइए कि ये बयान सही है या गलत। अलिफ, निबोली खाने से पेट की बीमारी दूर हो जाती है। सही या गलत। बे, नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से खारिश हो जाती है। सही या गलत। सफा नंबर 55। जीम, नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। सही या गलत। दाल, नीम की पत्तियों से गर्म कपड़े में कीड़ा लग जाता है। सही या गलत। हे, नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं। सही या गलत। पांच, इन जुमलों को सही लफ्जों से पूरा कीजिए। अलिफ, नीम का मतलब है खाली जगह को दूर करने वाला, बीमारियों या सवारियों। बे, नीम सभी जगह खाली जगह से लगाया जा सकता है, मुश्किल या आसानी। जीम, नीम के खाली जगह को निबोली या निमकोली कहते हैं। फल या फूल। दाल, इसकी गुठली से खाली जगह भी निकाला जाता है। पानी
या तेल। हे, ये खाली जगह तो जरूर है, मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। मीठी या कड़वी। छः, दिए हुए लफ्जों की जमा बनाइए। दरख्त, पत्ती, साया, जानवर, गुठली, कपड़ा, नदी, कीड़ा। सात, इन जुमलों को सही करके खाली जगहों में लिखिए। अलिफ, नीम की पत्तियों से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगती, खाली जगह। बे, तुमने नीम का दरख्त देखी होगी, खाली जगह। सफा नंबर 56। जीम, नीम के दरख्त पर फूल लगती हैं, खाली जगह। दाल, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आती है, खाली जगह। हे, नीम की टहनी भी बड़े काम का चीज है, खाली जगह। आठ, पिछले सबक में आपने मुजक्कर और मुअन्निस की तारीफ पढ़ी, उसकी मदद से यहाँ दिए हुए लफ्जों को मुजक्कर और मुअन्निस के मुताबिक लिखिए। दरख्त, बीमारी, खेल, जगह, जानवर, हिफाजत, आराम, कपड़ा, संदूक, दीमक, खारिश, पानी, फूल, गुठली, छाल, टहनी। नौ, नीम के पांच फायदे लिखिए। दस, दी हुई तस्वीरों पर एक एक जुमला लिखिए। यहां मिसवाक की तस्वीर दी गई है, सफा नंबर 57। यहां तस्वीर में नीम की सूखी पत्तियां दी गई हैं। इस तस्वीर में नीम के फल निबोली को दिखाया गया है। इस तस्वीर में नीम की हरी पत्तियां दिखाई गई हैं। 11, यहां एक गुलदस्ता दिया गया है जिसमें सात फूल हैं और उन फूलों में एक जुमले के अल्फाज बिखरे हुए हैं। इन अल्फाज को तरतीब देकर एक बामानी जुमला बनाइए।